ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम टू गैजेट सर्च। और आज के स्टूडियो में मैं आपको फुल्ली डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं नोकिया के एक अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन नोकिया X6 को एंड नोकिया 7 प्लस को। इस स्टूडियो में मैं आपको सभी बेसिक डिफरेंस बताऊंगा एंड क्या आपको नोकिया X6 का वेट करना चाहिए या नहीं। इन सभी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले कंपैरिजन करते हैं। नोकिया X6 में आपको 5.8 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा विद 19:9 एस्पेक्ट रेशियो। नोकिया 7 प्लस में आपको 6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो एंड इन दोनों स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले काफी अच्छा है। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर की। दोस्तों, नोकिया X6 आपको दो अलग अलग वेरियंट्स में आएगा, 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड इसमें आपको MediaTek Helio P60 प्रोसेसर मिलेगा। 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट में आपको Snapdragon 636 प्रोसेसर मिलेगा एंड नोकिया 7 प्लस में आपको Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको लेटेस्ट Android 8.1 Oreo का अपडेट मिलता है। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में रियर कैमरा की। नोकिया X6 में आपको डुअल 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश एंड नोकिया 7 प्लस में आपको डुअल 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा की। नोकिया X6 में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वेयर एज नोकिया 7 प्लस में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी की। नोकिया X6 में आपको 3500 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलेगा एंड नोकिया 7 प्लस में आपको 3800 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलता है एंड इन दोनों स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। अब मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग वेरिएंट्स की प्राइसिंग की। नोकिया X6 4GB रैम प्लस 64GB की एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 17,000 रुपीज एंड 6GB रैम प्लस 128GB की एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 19,000 रुपीज। नोकिया 7 प्लस 4GB रैम प्लस 64GB की जो प्राइस रखी गई है इंडिया में वो है 26,000 रुपीज। सो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि नोकिया X6 काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है अंडर बजट रेंज, जो कि लॉन्च होने वाला है चाइना में ऑन 16 मई 2018 को। सो ये स्मार्टफोन काफी एक्सेलेंट डिवाइस होने वाला है एंड अगर आप काफी दिन से वेट कर रहे हैं नोकिया के बेस्ट बजट स्मार्टफोन का तो ये स्मार्टफोन आपके लिए ही है। इंडिया में ये स्मार्टफोन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जून में लॉन्च हो सकता है एंड काफी बेटर कंपटीशन देगा बिलो 20,000 स्मार्टफोन्स को। सो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नोकिया X6 एंड नोकिया 7 प्लस के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So I